भारत के पांचवें प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती समारोह श्री किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बायतू विधायक हरीश चौधरी व बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करने के बाद उनके द्वारा देश को दिए गए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती समारोह श्री किसान बोर्डिंग हाउस संस्थान बाड़मेर में शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि बायतू विधायक हरीश चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी रही। संस्थान के अध्यक्ष बलवंत सिंह चौधरी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करने के बाद उनके द्वारा देश को दिए गए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान के सचिव डालूराम चौधरी के आह्वान पर जिले के किसान एवं गणमान्य नागरिक जयंती समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील शिक्षक संघ, मूंड आपसे गुजारिश, मंच पर आसन ग्रहण करावें। कार्यक्रम से पूर्व बाड़मेर विधायिका प्रियंका चौधरी, बायतू विधायक हरीश चौधरी, संस्था सचिव एडवोकेट डालूराम, संस्था अध्यक्ष बलवंत सिंह, प्रधान जेठी देवी सहित जाट समाज के कई वरिष्ठ एवं गणमान्य लोगों ने चौधरी चरण सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में नव निर्वाचित विधायक प्रियंका चौधरी एवं हरीश चौधरी का पुष्प वर्षा का द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने अपना संबोधन देते हुए चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला व उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कही।